बहुत सुंदर दिख रही हैं आप। आपका अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, जाइए, डॉक्टर साहब हैं, जाइए। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। हाँ सर, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब लगता है कि वो मुझे कम पसंद करते हैं। आजकल तो मुझसे वो प्यार से बात नहीं करते। मुझे तो लगता है कि उनका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है सर। देखिए मैडम जी, मैं आपके पति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो वैसे इंसान नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है मैं चेक करता हूँ, आइए आइए। ट्रीटमेंट कर रहा हूं ना, प्लीज कोऑपरेट। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगता है कि ये आप दोनों पति पत्नी के बीच किसी में कोई ना कोई तो कमी है। तो इसका क्या सलूशन है डॉक्टर? देखिए, आप ज्यादा सोचिए मत। आप पहले घर पे जाकर वहाँ के माहौल का मुआयना कीजिए, और वहाँ का माहौल कैसा है ये आप मुझे आराम से फोन करके बता दीजिए। ओके डॉक्टर। ओके, चलती हूँ। चलती हूँ। हाँ हो गया ना, ठीक है, बाय। हाँ बाय। सर। हाँ, क्या बात है? सर आप सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम को दूर कब करेंगे आप सर? मैं कुछ समझा नहीं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम आप नहीं समझते सर। पहले तुम मेरी बात सुनो। आप जो भी कहेंगे वो मैं सुनूंगी सर, लेकिन बस आप मेरे पास आ जाइए। क्या कहा? कुछ नहीं सर, जाने दीजिए। पेशेंट का चेकअप करता हूँ तो तुम डोर की होल से देखती रहती हो? हाँ, पहले कारपेंटर को बुलाकर ठीक करवाओ, समझे? कल ही मुझे सब क्लियर चाहिए। हे भगवान, वहीं से तो मेरा एंटरटेनमेंट होता है, अगर उसे भी बंद कर दिया तो मेरी कलरफुल जिंदगी फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। उसे तो रहने दीजिए ना सर। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं सर। पागल हो तुम। हेलो। हेलो डॉक्टर, आपने जो ट्रीटमेंट किया वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मेरे पति मुझसे सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, तुम खुश रहो। गुड नाइट। गुड नाइट।
नाम है निशा, निशा जागीदार। आपका क्या नाम है? मदन, डॉक्टर मदन। ओह, व्हाट अ नाइस नेम। वैसे इतनी बड़ी पर्सनालिटी के लिए इतना छोटा सा नाम क्यों? आपका नाम सिर्फ मदन नहीं, मदना। निशा, इवन यू टू लुक वेरी प्रिटी। थैंक यू। मैं मैंगलुरु से हूँ। MBA की पढ़ाई के लिए यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैं यहाँ नई हूँ ना, इसलिए होटल में ठहरी हूँ। PG ढूंढ रही हूँ पास में। ओह, तो अब तक अनमैरिड हो? अब तक शादी वादी क्यों नहीं की? अब तक तो नहीं। किस सोच में पड़ गए हैं आप? नथिंग। तो आप मेरे लिए एक PG का इंतजाम कर सकते हैं क्या? या श्योर, व्हाई नॉट, चलें क्या? बाय बाय द वे, थैंक यू। ओके। निशा, आप होटल जाओगी तो हमारे घर को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। व्हाई डोंट यू कम टू माय हाउस? आपके घर में? यस। अगर मैं आपके घर आऊंगी तो आपके घर वाले? मैं मेरे घर में अकेला ही हूँ। आई एम स्टिल अ बैचलर, यू नो, अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। तब तो डेफिनेटली आपकी बहुत गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, है ना? यस, बहुत सारी, मैं गिन भी नहीं सकता इतनी। मतलब गर्ल्स पेशेंट्स हैं। व्हाट अ जोक। अभी मेरे घर में आने के लिए कोई ऑब्जेक्शन? एब्सोल्युटली नॉट। बाय द वे मदन, आप डॉक्टर हैं ना? तो किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? आई एम अ सेक्सोलॉजिस्ट। ओह, सेक्स समस्याओं को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर कोई आपके पास सेक्स प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप कितने दिन लगाते हैं? अरे, उनका इलाज करने में। व्हाट अ जोक। चलिए, मेरा घर पास आ ही गया है। वाओ, नाइस प्लेस। अरे वाह, जय जय भोले शंकर। आपने मेरे मन की बात सुन ली आखिर। मेरे साहब के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। भोले शंकर, भोले शंकर। प्लीज। ओह, व्हाट अ वंडरफुल हाउस। दिस इज माय वन एंड ओनली स्वीट बंगलो। हाउ डज इट लुक? वेरी नाइस। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। कॉफी चाहिए या कुछ? एक गर्मा गर्म कॉफी हो जाए तो क्या बात हो। पांडे, आया आया आया, कॉफी लेके आया, आया आया आया, कॉफी लेके आया। अरे, हमने कुछ कहा भी नहीं और तुम कॉफी लेकर आ गए। देखे साहब, किस किस को, किस किस समय, क्या क्या चाहिए, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए गरम गरम कॉफी लेकर आया हूँ। लीजिए साहब। मैडम, आप भी लीजिए। थैंक यू। इट्स माई प्लेजर मैडम। ये है हमारा पांडे, बहुत ही महान इंसान। थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई मैडम? मेरे माँ पापा के गुजरने के बाद अब सब कुछ यही है। मैडम, शक्कर कम हो तो बताइएगा, लेकर आ जाऊंगा। पांडे, इन्हें शक्कर चाहिए तो मैं बुलाता हूँ, कृपया करके तुम जाओ यहाँ से, जाओ। समझ गया। कबाब में हड्डी बनकर खड़े नहीं रहना चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, चाबी खो जा। अब कैसी लगी कॉफी? फाइन। निशा, मेरा एक स्मॉल सजेशन। वो क्या है? कुछ नहीं, तुम क्यों PG-VG के लिए ट्राई कर रही हो? मेरे पास एक आउट हाउस है ना, चाहो तो तुम वहाँ पर रह सकती हो। हाँ ठीक है, श्योर। ओ निशा, इफ यू डोंट माइंड, मैं 9 बजे क्लिनिक जाऊंगा। पेशेंट्स वहाँ वेट कर रहे होंगे। अगर पांडे आपको घर दिखा देगा तो चलेगा? इट्स ओके। पांडे। आया मालिक। कुछ नहीं, जरा इन्हें आउट हाउस दिखाना है, मैं दिखा दूंगा। हम रात में डिनर साथ में करेंगे। ओके। बाय बाय।
मेम साहब, हमारे जो साहब है ना बहुत अच्छे इंसान है, और इनके पिताजी थे ना वो भी कुछ छोड़ी छोड़ी आइए आइए आइए, वो आउट हाउस बंगले के कोने में है, आइए 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 आइए। नमस्ते। नमस्ते मैम। आपका नाम? मेरा नाम नवीन है मैम। एक मिनट। ओके मैम। हेलो सर। बोलो। एक पेशेंट आए हैं, भेज दो उन्हें। हाँ हाँ भेज दो ना। सर आप ऊपर चले जाइए। थैंक यू मैडम। ओके वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मेरी समस्या, मेरी शादी को एक हफ्ते हुए हैं और कल मेरी सुहागरात थी। कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? सर सुहागरात में जब दूल्हा दुल्हन आपस में संबंध बनाते हैं तो खून निकलना जरूरी होता है, ऐसा लोग कहते हैं, ये सच है? हाँ, हाँ। लेकिन कल रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। तो क्या हुआ? सर वो जब खून निकलता है तभी वो लड़की कुंवारी होती है, नहीं तो पहले कहीं कुछ। तो आप उसे गलत औरत समझने लग गए क्या? देखिए इंग्लिश में उसे वर्जिनिटी कहते हैं और उस पर आपको शक होने लगा, सही कह रहा हूँ? सही कहा डॉक्टर, इसीलिए मैं आपसे कंसल्ट करने के लिए आया हूँ कि उसने कहीं मेरे से पहले कुछ। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। बताइए ना सर। देखो नवीन, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन शादी से पहले लड़कियों के उस हिस्से में कभी दरार नहीं पड़नी चाहिए। हाँ। अब देखो सुहागरात में जब वो हिस्सा फटता है तो खून तो निकलता ही है, और कोई बात नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, यही तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। परेशान हो गए और शक भी होने लगा है आपको। देखिए ये सारी आम बातें हैं, लेकिन एक बात बताता हूं, इसे आपको समझना पड़ेगा। वो हाइमेन का हिस्सा बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर कुछ चोट लग जाए तो हाइमेन फटेगा और खून बहेगा। आजकल के जनरेशन में लड़कियां जंपिंग, स्किपिंग, रनिंग, इन सारी फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से उनका हाइमेन अपने आप ही फट जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए आपकी सुहागरात में हाइमेन फटकर खून आना चाहिए ये सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ सर, मेरी वाइफ कथक डांसर है सर। देखिए आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। हो सकता है सर। हो सकता है नहीं, यही तो कारण है। आप अपना शक वाला नेचर पहले बंद कीजिए, अच्छी तरह से जान लीजिए कि इस तरह की बातें करना, मिसगाइड करना, गलत रास्ते पर जाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। शक बहुत बड़ा रोग होता है, याद रखिए। ठीक है, सही कहा डॉक्टर, वेरी वेरी थैंक्स, आपने मुझे इतनी जानकारी दी। मेरा शक भी खत्म हो गया और मेरी टेंशन भी खत्म हो गई सर। ओके, हैप्पी मैरिड लाइफ, गुड लक। थैंक यू सर। नमस्ते सर। ओके। सर। हाँ बोलो ना। वो सर आप लड़कियों का इलाज करते हैं, लड़कों का भी इलाज करते हैं, पर मेरा इलाज कब करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा इलाज करवाना ही पड़ेगा लगता है। सुनो मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर मनोज, वो साइकियाट्रिस्ट है, उससे जाके ट्रीटमेंट ले लो। क्या सर, आप भी? मुझे आपसे इलाज करवाना है, दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, एक आप ही हैं जो मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं। वैसे आपकी वो आंटी जो है, वो है ना, 10 बार आपको फोन कर चुकी है, बहुत याद आ रही है उसे आपकी। हाँ फोन तो मुझे भी आया था लेकिन मैं बात नहीं कर पाया। कोई बात नहीं सर, हम वहाँ चले जाते हैं। नहीं नहीं तुम मत आना, मैं खुद चला जाऊंगा। ये डॉक्टर मेरी जवानी की प्रॉब्लम कब समझेगा? आंटी। ओ मदन, आजा लो प्रसाद लो। अच्छा ये बताइए अंकल को दुबई जाकर कितने साल हो गए आंटी? उन्हें गए तो 7 साल हो गए, बोर होती हूँ, डिप्रेशन में भी हूँ। ऐसे ही तो होगा, आप पिछले 3 साल से अकेले रह रही हो तो डिप्रेशन तो होगा ही। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आप उन्हें यहाँ पर वापस बुला लीजिए। ये नहीं हो सकता। हाँ?
क्यों आंटी? सॉरी आंटी। सॉरी किस लिए मदन? तुमने तो बस यहाँ आकर मेरी मदद ही की है। एक वैद्य को अपने मरीज की मदद करना जरूरी भी तो है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए शुक्रिया कहने की क्या जरूरत? ये तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। मैं बुलाती तो तुम कभी नहीं आते, अपनी मर्जी से ही आते हो। आऊंगा, लेकिन मेरे और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना। वो तो सिर्फ पेशेंट्स हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारी स्पेशल पेशेंट हूँ ना। सच कहा, मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ आने में तकलीफ होती है तो फिर मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओह, बिंदास आइए, अब मैं चलूं? लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखना। हाँ, मैं चलता हूँ, निकलूं। बाय बाय। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं आप लोग? ये कौन है? ये डॉक्टर साहब की फ्रेंड है, निशा नाम है। हाय। नमस्ते। नमस्ते। अब आप बता दीजिए। मेरा नाम रेणुका मालगी है। अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज आप आंटी के घर जाते वक्त ये ब्रीफकेस क्लिनिक में ही भूलकर चले गए थे, इसलिए सोचा कि मैं यहाँ आके इसे दे दूं। ओके, थैंक्स। आंटी को ट्रीटमेंट दे दिया क्या सर? हाँ, वो तो मेरा कर्तव्य है। तो फिर आप मुझे वो ट्रीटमेंट कब देंगे? What? कुछ नहीं, ये बिल्कुल ऐसी है, हमेशा ये कहकर मेरा दिमाग खराब कर देती है ये। ओहो, अब जाने भी दीजिए ना सर, आप मेरी बात समझते ही नहीं है, बस मेरी शिकायत करते रहते हैं। अब सुधर भी जाइए और मेरा भी ट्रीटमेंट कर दीजिए। कैसा है हमारा आउटहाउस? Did you feel comfortable? सच कहूं तो मुझे उस आउटहाउस से ज्यादा ये मेन हाउस पसंद आया है। आप मुझे रेंट पर वो आउटहाउस देने वाले थे, पर मैं सोच रही थी कि उसकी जगह मैं यहाँ मेन हाउस में ही रेंट पर रह लूं तो। ओके। तो फिर आपके बेडरूम में चले। कम ऑन। दिस इज माय बेडरूम। साहब जी आए। कृष्णा कृष्णा परमात्मा, माफी माफी माफी। साहब जी, रात का खाना क्या बनाऊं? अपनी पसंद का कुछ भी पका लो। ठीक है साहब, जैसा आप कहो। लगे रहो। पांडे, निशा। कब से बेल बज रही है, कोई डोर ओपन नहीं कर सकता है क्या? थत।
लगता है कोई है नहीं। हेलो मिस्टर, कौन है आप? सर नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है सर। बहुत दिनों से आपसे अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहा हूँ सर, लेकिन आज तक नहीं मिला सर, इसीलिए मैं सीधा आपके घर ही आ गया सर। hey, मैं अपने घर में किसी भी पेशेंट को चेक नहीं करता हूँ, आप क्लिनिक आ जाइए ना। सर बहुत अर्जेंट है, कृपा करके मना मत कीजिए प्लीज। एक काम करो, शार्प 11 o'clock मेरे क्लिनिक में आ जाओ। सर मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी भी प्रॉब्लम समझो प्लीज, जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, प्लीज सर कुछ कीजिए ना सर, प्लीज सर। अरे निकलो यार, एक बार बोला ना आपको। जाते वक्त मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे क्या प्लीज? उस इडियट की वजह से पहले मैं लेट हो चुका हूँ। आई विल ड्रॉप यू ऑन द वे। ओके, आई गेट माय ब्रीफकेस। हाँ चलो। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, इट्स वेरी गुड। डॉक्टर को अपने लिए कैसे बताऊं? डॉक्टर आ गए हैं। हेलो डॉक्टर, सुना है कि अब आप घर पर ही ट्रीटमेंट करने लगे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली है डॉक्टर। तो आप मेरी ट्रीटमेंट कब करने वाले हैं? पहले तुम अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, कोई रोग नहीं है तुम्हें, सिर्फ ये छोड़कर। नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल सही थे, मुझे दिमाग की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे इलाज चाहिए। सर ये 5 मिनट बाद नहीं आ सकता था क्या? तुम हमेशा सपनों में मत रहो, काम पर ध्यान दो। ए, इसकी एंट्री करके इन्हें ऊपर भेज दो। क्या नाम है आपका? प्रदीप। सर नमस्ते। सर नमस्ते, बैठिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप सर। क्या समस्या है आपको? सर अरे कोई बात नहीं, बता दो जल्दी से, यहाँ कोई भी नहीं है, बोलिए क्या बात सर? है? पिछले 1 साल से मैं हस्त मैथुन कर रहा हूँ सर। ओ सर, मैं जल्दी ही शादी करने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मुझे बच्चा होने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखो युवा लोगों में ये बात बहुत ही कॉमन है, हिंदी में इसे हस्त मैथुन कहते हैं और इंग्लिश में इसे मास्टरबेशन कहते हैं, लेकिन अब जवान लोग इसे कहते हैं सेल्फी। कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करते रहो, इसमें कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। ओह, लेकिन आप इसे छोड़ने की कोशिश जरूर करना। नहीं सर, नहीं हो रहा है। आप चाहोगे तो जरूर होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। अच्छा, आपको इसके जैसी और कुछ आदतें, मतलब नाचना, गाना, नाटक, सिनेमा, पेंटिंग, ट्रैकिंग, ऐसी कोई आदतें हैं? कोई आदत नहीं है डॉक्टर। हाँ ये क्या? 1 मिनट। हाँ हेलो। हेलो मदन, आज लेक्चरर नहीं आया है और नेक्स्ट पीरियड बहुत बोरिंग है, तो मैं घर जा रही हूँ, हो सके तो जल्दी आ जाना वरना मैं घर पे भी बोर हो जाऊंगी। नहीं निशा, मेरे सामने तो पेशेंट बैठा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाय बाय। ये किसकी फोटो है डॉक्टर फोन के अंदर? ए, इस सबसे आपको क्या मतलब? सुनिए, आप अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए कोई अच्छी आदत पर ध्यान दीजिए, भागना, नाचना, नाटक, सिनेमा, ट्रैकिंग, जॉगिंग, ऐसी एक्टिविटीज पर ध्यान दोगे ना तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर, वो सब तो ठीक है सर, आपके फोन में जो लड़की है वो कौन है सर? ए, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा काम तो हो गया ना, प्लीज अब जाओ यहाँ से। नहीं वो कौन है बताइए ना डॉक्टर। ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरी वुड भी है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ, समझे? सुन लिया ना,
अब जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? वो लड़की मेरे घर के बगल में रहती है, हमारे गांव रामपुर की है। उसे मरे हुए 15 दिन हो गए हैं। ये बात सारा गांव जानता है। मैं उसे पोस्टमार्टम के लिए साथ में लेकर गया था, वहां से लाश गायब हो गई। अरे वो कोई और हो सकती है, तुम बस कंफ्यूज हो गए हो और कुछ नहीं। अरे सर मेरे बाप की कसम, आपकी ये फोटो वाली लड़की मर चुकी है, आप यकीन क्यों नहीं करते सर? हेलो सर, एक पेशेंट आया है, भेजूं क्या? मेरे पास एक पेशेंट बैठा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बिठाओ उसको थोड़ी देर। मेरी बात मान लीजिए सर, आपकी ये फोटो वाली लड़की मर चुकी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, वो जिंदा नहीं है, आप यकीन क्यों नहीं करते मेरी बात? चलो जाओ यहाँ से बाहर, चलो काम हो गया ना अपना, जाओ। आपका नाम? आपने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, बताऊंगा मैं आपको, बताऊंगा जरूर, वो फोटो वाली लड़की मर चुकी है, इसका प्रूफ मैं आपको जरूर दूंगा। अरे बात क्या है सर? आपके डॉक्टर को मैं प्रूफ जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, देखना आप, देखना आप, नहीं छोड़ूंगा। आप रामापुर से हैं क्या? मैं रामपुरम से हूँ, ये तुम कैसे जानते हो? बैठिए सर, मैं सब जानता हूँ। चलो क्या भाई, क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई है सर। ठीक है जल्दी देखो। इंजन बिगड़ गया है सर। अरे भाई जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तुम्हें? बहुत ज्यादा अर्जेंट है। जल्दी जाना है ना तुझे? बहुत अर्जेंट है। ठीक है भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ तुझे यहाँ। तूने बता दिया ना उसे? बता दिया ना तूने उसे? मना किया था? नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। था कि नहीं? मैंने कुछ नहीं बताया, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों बताया तूने? क्यों बताया तूने? अरे तूने गलती की है, अब उसकी सजा भुगत, नहीं बचेगा। मैंने कुछ नहीं बताया। जल्दी जाना था तुझे, अब जा। पांडे जी। आया मैडम, आया आया। पांडे जी। मैडम जल्दी से खाना लगाइए। खाना तैयार है, लेकिन साहब को आने दीजिए, इंतजार कीजिए। मैं उसका इंतजार नहीं कर सकती, मेरा खाना लगाओ। आप दोनों जैसे लिविंग टुगेदर हैं, वैसे ही ईटिंग टुगेदर भी होना चाहिए, इंतजार कीजिए। अब मुझे भूख ज्यादा लगती है तो इंसान को भी खा जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, जल्दी दो। लीजिए लीजिए, देता हूँ देता हूँ। सिर्फ यही है क्या? और दो और दो। देता हूँ, जल्दी करो। देता हूँ देता हूँ। और क्या बनाया है? ये लीजिए पानी भी। क्या कर रहा है? वो कोई चीज मिस थी, वही देख रहा था मैं। क्या दिखा तुझे? कुछ नहीं। ए पागल, बोलिए। मेरे सामने नहीं चलेगा, समझा? तेरी शादी नहीं हुई है क्या? उम्र में कोई लड़की देगा क्या? इसीलिए सब देख रहा था क्या? इसे क्या हो गया? क्या हो गया इसे?
अरे, तुमने तो खाना शुरू भी कर दिया। बहुत ज्यादा भूख लग रही थी ना, इसलिए खाना शुरू कर दिया। ओके, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। और दो। देता हूँ, देता हूँ, ये लीजिए। और दो। देता हूँ, और देता हूँ, ये लीजिए। और चाहिए मुझे। और दो। ये लो। और दो। देता हूँ, देता हूँ, ये लो, और लो। ये लो, ये लो, ये लो। आज कोई खास बात है? आज अमावस्या है साहब, और क्या? आज क्या स्पेशल है पांडे? ऐसा कुछ नहीं है साहब। साहब, ये मैडम आपको कहाँ मिली थी? शहर में या शमशान में? तुम भी ना, पार्क में मिली। लेकिन किस पार्क में? वो ध्यान से देखा था कि आपने। अरे पांडे जी, आप बोलिए मैडम। थोड़ा सा दो ना। देता हूँ, देता हूँ, मेरी बदनसीबी। और ये गोभी मंचूरियन है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। थैंक यू। पांडे जी सुनिए ना, थोड़ा सा और मिल जाता तो और मजा आ जाता मुझे। पांडे, आज का खाना खा के बहुत मजा आ गया, अब तुम भी आराम से बैठकर खा लो। खाता हूँ, खाता हूँ साहब। सब खत्म हो गया। क्या कहूँ तुम्हारा सर, आज भी लगता है उपवास ही करना पड़ेगा। जितना खाना बनाया था सब के सब खा गई वो। वो कोई इंसान है या भूतनी है? पांडे जी। मैडम, आता हूँ। हे भगवान, हे भगवान। डॉक्टर, आप तो मेरी बात पर विश्वास करो डॉक्टर। हे, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो अब मेरे घर में भी आकर तंग करने लगे। डॉक्टर, मेरे जिंदा रहते आपने बात नहीं मानी, अब तो मैं मर चुका हूँ, अब तो मेरी बात मान लीजिए डॉक्टर। प्लीज जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हेलो, प्लीज। अरे, I will call you tomorrow. Okay, okay, okay. चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे, Mm-hmm.
देखती हूँ। ओके। इतनी देर रात कौन है आप? हेलो, कौन है आप मैडम? पहले ये बताओ तुम कौन हो? वो मैं मदन है क्या? जरा बुला कर लाओ उसे। अरे आप यहाँ क्यों आई हो? वो भी रात के 12 बजे आ गई। फिर से डिप्रेशन फील हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हारे पास यहाँ चली आई मदन। ठीक है, वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक बैठो। से कहा आता हूँ और यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हो? वो यहाँ पर है ना, इसलिए। वो कौन? यहाँ नहीं, और किसी जगह दूर जाएं क्या? कहाँ जाएंगे? और थोड़ी दूर में मेरी और एक जगह भी है, वहाँ हमें कोई भी नहीं देखेगा। ठीक है। अरे वाह, इतनी रात में यहाँ अकेले, वो भी गाड़ी में। हाँ, कुछ तो चक्कर है। यहाँ और चाहिए मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, कुछ नहीं, मैंने ठंडा पानी पिया है ना, तो गला खराब हो गया है। वाह, लॉक कर लिया। Thank you.
पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ये बताओ, इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो कार डॉक्टर की ही थी? हाँ सर, उनकी ही कार थी और उनकी कार में डॉक्टर का सिंबल भी बना था सर, मैंने कई बार देखा है सर। तुम सच कह रहे हो ना? अपने बाप की कसम खा रहा हूँ सर। ड्राइवर, जीप को डॉक्टर के घर की तरफ ले चलो। जी सर। क्या यही वो कार है? यही कार है सर, वो इसी को मैंने देखा था सर, और डॉक्टर का सिंबल भी बना है। पूरे यकीन से कह सकते हो? हाँ सर। मूर्ति सर, डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है सर। अरे सुनो, घर पर कोई है क्या? लो, मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और आप पूछ रहे हैं यहाँ कोई है? अच्छा वैसे पुलिस हमारे घर में क्यों आई है? यहाँ कोई गलती हो गई क्या? लगता है तुम्हारे डॉक्टर ने गलती की है, उन्हें बुलाओ तो जरा। सुनिए, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हा? आपका कहना है कि डॉक्टर ने गलती की है? अरे गलती आपसे हुई होगी। एक रख के दूंगा तुझे, चल डॉक्टर को बुला। नाराज क्यों होते हैं, बुलाता हूँ ना। वो लीजिए, खुद ही आ गए। क्या बात है साहब, आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? हाँ आपको, चलिए। डॉक्टर मदन। हेलो मदन, क्या आप बता सकते हैं कल रात को 12 बजे आप कहाँ थे? रात को 12 बजे तो मैं घर में था। आर यू श्योर? जी हाँ बिल्कुल, आप क्यों पूछ रहे हो? हाँ सर, ये यहीं थे, रूम में ही थे। और आप कौन हैं? ये तो मेरी फ्रेंड है, पीजी में रूम ढूंढ रही थी तो मैंने अपने ही घर में रख लिया। ओ, कल माना कि आप तो घर पर ही थे, लेकिन आपकी गाड़ी कहीं गई थी। रात को हम कहीं नहीं गए थे, यहीं पर थे। आर यू श्योर? या श्योर सर। ओ सुनो, यहाँ आओ। सर, कल रात को 12 बजे तुमने इनकी गाड़ी कहाँ पर देखी थी? हाँ सर, वो पुराने वाले बंगले पे सर। तो ठीक कह रहा ना? हाँ सर। पुराने बंगले में? ये क्या बात कर रहे हो, लगता है तुम पागल हो गए हो। हाँ सर, यही कार थी सर, मैंने देखा था। ए लड़के, क्यों पागल की तरह बात कर रहा है तू? रात को मेरी कार कहीं नहीं गई थी, वो यहीं पर थी। हाँ सर, ये तो घर पे टीवी देख रहे थे, इनके साथ मैं भी देख रही थी, उस वक्त करीब 12 या 12:30 बजे होंगे। ठीक है, तो 12 या 12:30 बजे के बाद आप कहीं पर गए थे? What do you mean? ये आप क्या कह रहे हो सर? हमारी बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहा है? सुनो, ये बताओ कार में कौन कौन था? वो क्या, जल्दी बताओ, गाड़ी में और कौन कौन था? सर उसमें एक आंटी थी सर। साथ में कौन था कार में? नहीं सर, और कोई नहीं था सर। कार आई, वहां रुकी, आंटी निकली और अंदर चली गई। हे बेवकूफ, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ? जो देखा है वो ठीक से बता। गाड़ी में कौन कौन था? गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी क्या अपने आप चल रही थी? हाँ सर, अपने आप चल रही थी सर, जाते वक्त कार में कोई नहीं था। ओहो हो, इस जैसे गवाह को लेकर मैं केस कैसे आगे बढ़ाऊंगा? तो चले। आप इसकी बात सुनकर यहाँ आ गए थे? बिना ड्राइवर के कोई कार कभी चल सकती है? आप ही जरा सोचिए ना। अरे बेको चल सर, वो सब तो ठीक है,
लेकिन क्या हुआ बताइए तो सही। ओह सॉरी, सुबह नाम की महिला ने कल उस घर में खुदकुशी कर ली है। कौन है वो? नाम सुबह, इसी गांव की। हम चलते हैं, चल बे। मदन, चले अंदर। सर, आप क्या सोच रहे हैं सर? ऐसे लोगों से हमारा केस आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। तो और क्या करूं? ए, इस पागल और तुम जैसे बेवकूफ को साथ लेकर केस आगे बढ़ाने से बेहतर है केस को यहीं ड्रॉप कर दिया जाए। पर सर, हमें अब इसका क्या करना चाहिए? ड्राइवर, गाड़ी रोको। ओके सर। पुजारी, यस सर। इसे नीचे उतारो। ओके सर। ए, चल नीचे उतार, चल आजा। सर सर, ए, चल उतार। सर, अरे सर 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 सर, मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दीजिए सर। तू तेरे तो, मैं क्या तुम्हें घर पे ड्रॉप करूंगा? हाँ सर। तू क्या कहीं का लाड साहब है जो तुझे घर पर छोड़ ले जाऊंगा? नहीं नहीं, ड्राइवर तुम चलो। सर, सर, अरे सर सुनिए तो सर 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 सर, अब हम पैदल जाए। मैम साहब, कॉफी रेडी। पांडे जी, डर गए थे क्या? क्या हुआ? वो क्या कि अभी आप जो है पीछे की तरफ देख रही थी, अचानक सामने कैसे हो गई? अरे आपका भ्रम है, ऐसा कीजिए आप खुद ही मेरा गला घुमाकर देखिए। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे आपके पास आना ही नहीं है। क्यों पांडे जी, आपने देखा था तब मेरा गला ऐसे घुमा था क्या? मालिक, मालिक कुछ समझ में नहीं। क्या हुआ? कुछ भी। अरे क्या हुआ बोलो मालिक, वो क्या बताओ तो क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा मालिक, मालिक कैसे समझाऊं? मुझे थोड़ा शक है मालिक। कैसा शक? आप बुरा मत मानना। नहीं मानूंगा, बताओ। आप गलत। अरे नहीं समझूंगा, बताओ। कैसे बताऊं? वो मालिक, आप उस लड़की को लेकर आए हैं ना? वो इंसान नहीं है बल्कि भूतनी है मालिक। क्या कह रहे हो, पागल हो गए? चलो जाओ यहाँ से। मालिक आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। भगवान, हे भगवान, जय हनुमान, जय अन्नपूर्ण सागर, मैं जाता हूँ। डॉक्टर, अब तो आप मेरी बात मान लीजिए डॉक्टर। मुझे धोखा नहीं दे सकती।
देखता हूं, पता लगाना ही होगा। पांडे, पांडे, पांडे जी, कौन है? साहब जी बोलिए। पांडे, ये रामापुरम तो अभिभूत में है, ये बात जानते हो तुम? लेकिन आप रात को पूछ रहे हैं ऐसे? पता नहीं, सोचता हूँ। मुझे तो उस लड़की पर शक है। क्या हुआ पांडे जी, मुझसे ही मिलने आए हो ना? नहीं नहीं, मुझे अपनी जान प्यारी है। अब भाग कहाँ रहे हो, मुझसे बच के कहाँ जाओगे? तकूं मैं राह तुम्हारी, अब ना देर लगा। तड़प तड़प कर कैसे जीऊं मैं बिन तेरे, तू बता। खेल विधा
तुझको भी याद कब से तकूं मैं राह तुम्हारी अब ना देर लगा तड़प तड़प कर कैसे जियूं मैं बिन तेरे तू बता तुम मदन? हाँ? मेरा नाम तुम कैसे जानती हो? बताती हूँ, पहले बाहर निकलो। तुम तो ठंडा तली की कमली हो ना? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुमने मुझसे प्यार किया था मगर मैंने तो उसका जवाब दे दिया था ना? यहाँ तक कि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ मदन। लेकिन तुम तो मर गई थी। सही कहा, मैं मर गई थी और तुम भी उसी तरह मरोगे। मैं जल्दी मरने वाला मर्द नहीं हूँ, सब अच्छी तरह से जानता हूँ, माइंड इट। तो तुम जिंदा रहना चाहते हो? तुम क्या कोई भगवान हो या यमदूत हो? वैसे तुम तो मरी हुई कमली हो ना? हाँ, तुम मेरे साथ चलोगे तभी जिंदा बच पाओगे, अगर मेरी बात नहीं मानी तो बच नहीं पाओगे। तुम बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा क्या? अगर नहीं आऊंगा तो क्या कर लोगी? अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो तुम्हें यहीं पर मरना होगा। मरना है या फिर जिंदा रहना है? बचना है तो चलो। ठीक है, चलो चलते हैं। इस तरफ। अच्छा, इस तरफ। आगे इस तरफ लेना है। मशीन रोक। अब इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती है, रास्ता काफी खराब है, पैदल जाना होगा। कितनी दूर जाना है हमें? बस थोड़ी ही दूर और जाना है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जाना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं।
तुम्हारी जान बचाने वाले गुरुजी हैं ये। नमस्ते गुरुजी। आओ मदन, विमली आ जाओ। क्या हुआ मदन, आश्चर्य हो रहा है क्या? ये कमली की बहन विमली है और वो दोनों बहनें जुड़वा हैं। विमली, तो फिर कमली थन्नापल्ली में? हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमली। वाओ, अच्छा नाम है, बड़ी सुंदर हो तुम कमली। ये कमली तो वाकई बहुत सुंदर है। ए, संभल कर, ये हमारा गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। बैठिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मदन, डॉक्टर मदन। ओह, मदन, डॉक्टर मदन, आपका नाम बहुत अच्छा है। हेलो, आपकी प्रॉब्लम तो बताइए। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ओके, बाय। शर्माते नहीं है, वैसे आप बहुत हैंडसम हैं। जितनी भी लेडी पेशेंट आती हैं, सबकी फोटो खींच के अपने पास रख लेता है। दिखाना। याना, भूख बहुत तेज लगी है, इतनी देर क्यों हो गई? कुछ नहीं, ये आपके लिए। सांबर अच्छा है और सांबर बनाने वाली लड़की तो बहुत अच्छी है। सुनिए मदन, क्या हुआ? ये बताइए, वो तीनों तो ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे खा जाएंगे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं ऐसा ही हूँ, मुझे साफ साफ बातें करना पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ बस। क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो?
वो डॉक्टर है और तुम? ए, मुझ में क्या कमी है? वो एक लड़के हैं और मैं एक लड़की हूँ और मैं उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। वैसे वो लड़कियों से बहुत दूर भागता है। ए कमली, आखिर हम भी तो मर्द हैं। हाँ, मर्द हो ना, लेकिन मैं भी किसी से कोई कम नहीं। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? मैं जो सोच लेती हूँ वो किसी भी हालत में करके रहती हूँ। हाँ ठीक है, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने कॉलेज तक पढ़ाई की है, समझ गए? कॉलेज तक पढ़ी है। अरे जाओ ना, जाकर सो जाओ। हाँ ठीक है भाई, जाके सो रहे हैं, चल भाई। हाँ चलो। सुनो लड़की, मेरा नाम कमली है। ठीक है कमली, देखो मैं घुमा फिरा कर बात करना नहीं चाहता हूँ। देखो मुझे तुमसे भी अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली वाली लड़की शादी के लिए चाहिए। वैसी लड़की हो तो ही मैं उससे शादी करूंगा, ओके? लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर इस जन्म में मेरी शादी होगी तो सिर्फ आपसे होगी, नहीं तो इस जन्म में मेरी शादी ही नहीं होगी। वो कहाँ है मदन? क्यों? दरअसल आज मैं उनकी पसंद का खाना लाई हूँ, इसलिए ठंडा हो जाए उससे पहले उन्हें परोसना चाहती थी। अच्छा ऐसा है क्या? वो वहाँ उधर है। क्या तुम्हें डांस करना आता है? जब तक तुम अच्छे से डांस नहीं करोगी वो बाहर नहीं आएगा। चलो ना डांस करके दिखाओ। बैठ जाओ। शहर की लड़कियां कैसी होती हैं? वो अपनी मर्जी से जीती हैं। बियर पियोगी क्या? नहीं नहीं, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। आदत होनी चाहिए, मदन से तुम प्यार करती हो ना? क्योंकि मदन को मॉडर्न लड़की बहुत पसंद है। तुम भी अपनी आदत बदलनी शुरू कर दो। अरे कोई बात नहीं, पी लो। पियो ना, कुछ नहीं होगा। पियो। सब पीती है शहर में, सारी लड़कियां पीती है। अरे कह रहे ना, पी लो। शुरू हो जाओ। मदन को मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं, पीऊं या नहीं, पर मुझे मदन से शादी करनी है और उसके साथ घर बसाना है तो पीना ही होगा। पीना ही होगा। अरे जरा भी फिक्र मत करो, हमें ना कुछ नहीं होगा, मजा आएगा। पी लो, पी लो। मदन को ये सारी चीजें पसंद है क्या? हाँ सच में मदन को ये सब बहुत पसंद है। अगर मदन से शादी करना चाहती हो तो हमारे सामने डांस करो। ओ अच्छा, अगर मैं डांस करूंगी तो वो मान जाएगा? अगर नहीं माना तो हम सब मिल के मनाएंगे। सही का? बिल्कुल सही का ना? बिल्कुल मनाएंगे। तो चलो चलो डांस शुरू कर दो, चलो। म्यूजिक प्लीज, म्यूजिक प्लीज। तुझे म्यूजिक चाहिए ना, दे इसे। ए, गाना लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मदन।
अरे ये तो मर गई यार, चलो चलो यहाँ से। अरे यार वो तो मर गई यार। अरे मदन, और गांव वालों को पता चल गया तो? अरे यार तुम मदन की बात छोड़ो, गांव वालों को पता चल गया तो हमें जान से मार देंगे सब। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो, चलो।, चलो। गुरुजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? गुरुजी, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, अब आप ही न्याय दिलाइए गुरुजी। क्या अन्याय हुआ है तेरे साथ? हमारे गांव में मेडिकल कैंप के साथ आए हुए 3 डॉक्टर्स ने मेरे साथ रेप किया और मुझे मार डाला। मैं डॉक्टर मदन से बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल सच्चा प्यार, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मैं। ओ, तो तुम त्रिशंकु की भांति भटकने वाली एक आत्मा हो। गुरुजी, मुझे स्वर्ग से ज्यादा प्यार पसंद है और मैं वही पाना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। गुरुजी, मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मेरी मदद कर सकते हैं गुरुजी? ये नहीं हो सकता। गुरुजी, आप मना मत कीजिए गुरुजी, मेरे जीते जी तो मेरी चाहत पूरी नहीं हो पाई, तो अब कम से कम 30 दिनों तक डॉक्टर मदन के साथ संबंध बनाकर उनके साथ रहने का मौका दीजिए। तो तुम एक अतृप्त आत्मा हो, अपनी इच्छा पूरी होने तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, इस समय तुम अपने प्रेमी के पास जाओ और अपनी इच्छा पूरी कर लो। इसके लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। बताइए, जल्दी बताइए गुरुजी। जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता, धीरज रखो। इस समय तुम्हारी ही उम्र की एक लड़की रामपुरम में मरी पड़ी हुई है, तुम जाकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाओ, तुम्हें मानव की देह प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारी चाहत पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें शांति मिलेगी, तब तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। हाँ तनिक रुको। हाँ? एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगी, किसी की भी जान नहीं लोगी, इच्छा पूरी होते ही यहां से निकल जाना होगा, एक क्षण भी यहां नहीं रुकोगी। तुमने जो कमली के प्यार को नहीं माना है उसी की वजह से ये सब हुआ है, क्या तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? गुरुजी, इसे क्यों सजा दे रहे हैं आप? इस पर तो सिर्फ मेरा अधिकार है। ये नहीं हो सकता, तुम एक आत्मा हो और ये जिंदा है। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, इसे भी आत्मा बना दीजिए, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। गुरुजी, नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये लड़की मेरे लायक है ही नहीं गुरुजी, इससे मेरी जोड़ी नहीं बनेगी। नहीं गुरुजी, और ऐसे रोने वाले प्यार पर मैं भरोसा बिल्कुल नहीं करता। क्या कहा? मेरे प्यार पर तुझे भरोसा नहीं है? तेरा सच बताऊं? कौन से मान सम्मान की बात कर रहा है? तेरा कितना सम्मान है वो मैं बताती हूँ। ये एक ऐसा वैद्य है जो अपने पास आने वाले रोगियों से अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है, ये धोखेबाज है, इसलिए इसे सजा मिलनी ही चाहिए, वरना मैं खुद ही इसे अपने हाथों से मार डालूंगी। क्यों? क्या ये सही है? एक वैद्य होकर भी तुम अपने स्वार्थ के लिए रोगी का इलाज न करके उसका गलत उपयोग करते हो, तुम अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हो, तुम एक सभ्य वैद्य नहीं हो, एक कामुक वैद्य हो,
जगत के सभी वैद्यों का अपमान किया है तुमने, वैद्यों की मर्यादा को कलंकित किया है। नहीं, मैंने वैद्य वर्गों को कोई कलंक नहीं लगाया और ना ही इसके आगे मैं कभी कलंक लगाऊंगा। इसकी सारी बातें झूठी हैं गुरुजी। मैं सच बोल रही हूँ, इसने माधुरी नाम की औरत के साथ रूम में, मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, प्लीज कोऑपरेट करो। देखो, इसे सेंसेशन ट्रीटमेंट कहते हैं। ओह, उसे तो ह्यूमन सेंसेशन भी कह सकते हैं, आदमी औरत को छूने के बाद जो सेंसेशन होती है। ये तो बस मैंने उनके साथ इलाज के तौर पर किया था, बस। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसकी रिसेप्शनिस्ट रेणुका ने खुद देखा था। नहीं, मेरी रिसेप्शनिस्ट तो थोड़ी सी पागल है गुरुजी, वो हमेशा गलत गलत सपने देखती रहती है, वो भी एक तरह की बीमारी ही है। उसका नाम है सेक्सुअल एब्डक्शन, उसे वासना में डूबा हुआ सपना कहते हैं। तो फिर तुम शोभा आंटी के घर क्यों गए थे? हाँ, क्या ये सब सच है? सच है, मैं उसके घर में गया था गुरुजी, लेकिन मैंने उस आंटी से उसके पति को वापस बुलाकर लाने के लिए बात करा था, और कुछ नहीं गुरुजी। अगर अकेले 3 साल इसी तरह रहोगी तो ऐसा ही होगा ना। इसका ट्रीटमेंट ये है कि उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। ये नहीं हो सकता डॉक्टर। आंटी, लास्ट ईयर दुबई में एक कार एक्सीडेंट में वो मारे गए। तो क्या ये भी झूठ है कि वो आधी रात को तुमसे मिलने तुम्हारे घर आई थी? क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए मैंने उनसे किसी अनाथ आश्रम या किसी ओल्ड हाउस में 2-3 घंटे वक्त बिताने के लिए टाइम सजेस्ट किया था, और इसलिए मैंने उनसे फोन नंबर देने के लिए कहा था। मैंने वापस आकर देखा तो वो वहां पर नहीं थी। उसके बाद उन्होंने पुराने बंगले में खुदकुशी कर ली थी, ये मुझे पुलिस ने बताया था गुरुजी। उसकी वजह भी तुम ही हो गुरुजी, आप इसे सजा दीजिए। नहीं गुरुजी, दरअसल मेरी आंटी को इसने मारा है, और तो और रामापुरम के मेरे एक पेशेंट को भी इसी ने मारा है। ये सब झूठ है, इसे मेरे हवाले कर दीजिए। क्या ये नहीं हो सकता? कमली, मुझे इसमें तुम्हारी चाल नजर आती है, सच है क्या ये? नहीं नहीं गुरुजी, मैं खुद इसे सजा देना चाहती हूँ। क्या कहा, तुम इसे सजा देना चाहती हो? हाँ गुरुजी, मैं दूंगी इसे सजा। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम इसके साथ प्यार करती हो, अब तुम इसके प्यार को हासिल करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा, अब तुम्हें जो मौका मिला है तुम उसका पूरा फायदा उठाओ। हाँ गुरुजी, मैं ये मौका नहीं गवाऊंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं मोक्ष प्राप्त करके ही रहूंगी गुरुजी। कमली, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से एक मौका दिया ताकि तुम उसके प्यार को प्राप्त कर सको, लेकिन उसकी बजाय तुमने 2 लोगों को मारकर उनकी जान ले ली। मारना या मरवाना ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है लोगों का भला करना, इसीलिए मैंने तुम्हें ये मौका दिया था, लेकिन तुम प्यार को भूल कर कत्ल करने लगी, वो भी 2-2, ये गलत है, तुमने मेरी बात की अवहेलना की। गुरुजी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार के ही रहूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा होगा गुरुजी। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? 2 हत्याएं करके मैंने शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, अब तो आप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात है, तुम तो अपनी इच्छा पूरी करके स्वर्ग जाने की बात कर रही थी, और अब हत्या करके नरक जाने की तैयारी में लगी हो। मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ तो छीन भी सकता हूँ। मेरे लिए मदन को मारना ही स्वर्ग है, बाकी सब मेरे लिए नरक है। ए मदन, तुम इसका हाथ पकड़कर वो जो पेड़ देख रहे हो उसकी 3 पत्तियां तोड़कर नदी में 3 डुबकियां लगाकर वापस आओ, फिर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ये नहीं हो सकता, जिस लड़की को मैं ठीक से जानता पहचानता नहीं हूँ उसके साथ शादी भला कैसे करूँ? हे मदन, अगर तुम बिमली से शादी नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। ऐसा नहीं होगा, ये मदन मेरे यहाँ होते हुए इस बिमली का हाथ नहीं पकड़ सकता। मदन तो बिमली से शादी करेगा, ये लड़की तो अनपढ़ गवार है। हे कमली, अब तुम गुरु को ही सिखा रही हो। देखो कमली, मदन विमली के साथ शादी करे या ना करे, ये मैं तुमसे नहीं सुनना चाहता हूँ। पर मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये नहीं हो सकता है, तुम एक आत्मा हो और वो जिंदा शरीर। हो सकता है, पर मदन मेरे साथ ही आएगा। मदन,
तुम विमली को लेकर जल्दी से जाओ वरना तुम मारे जाओगे क्योंकि ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अरे अरे देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। चलो चल। गुरुजी ने बताया था। हाँ, एक मिनट, मैं देखता हूँ। तुम यहीं बैठो, तुम बैठो, मैं जाकर लेकर आती हूँ, तुम यहीं रखो। हाँ, ओके, तुम जाओ, लेकिन जल्दी आना। ठीक है। हाँ, आराम से, संभल कर। आराम से, सावधान, संभालो। संभालो खुद को, आराम से। हे, जल्दी तोड़ो, आराम से, आराम से, आराम से। चलो जल्दी, भागो यहाँ से। चलो जल्दी भागो, जल्दी भागो। अरे मदन, वो पगली है।
पानी से। आओ मदन। क्यों दीदी ऐसा क्यों कर रही हो? भगवान के लिए इसे छोड़ दो। गुरुजी ने कहा था ना, तुम एक आत्मा हो, तुम मदन के साथ नहीं रह सकती, तो फिर क्यों तुम उसे तंग कर रही हो? गुरुजी, उसे मोक्ष दे दीजिए। गुरुजी, मैं विमली हूँ और वो कमली है। पानी से बाहर आ जाओ, वो कमली की आत्मा है। ए, 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 छोड़ दे, छोड़ दे, जाने दो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो उस बंधन से बाहर नहीं आ सकती। कृपा कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। गुरुजी, मेरा अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, उसे पूरा कर लेने दीजिए। ये नहीं हो सकता, समझे? चलो हमें चलना। क्षमा कीजिए गुरुजी, मेरी गलती मुझे समझ में आ गई है। गलती मानने से बड़ा पश्चाताप और कोई नहीं हो सकता। गुरुजी, अगर मुझे दोबारा जन्म मिला तो मैं विमली से ही शादी करूंगा। अच्छी बात है, तुम दोनों विवाह करके सुख और शांति से 100 साल तक जियो, मेरा आशीर्वाद। अरे यार, सेटअप तो सब ठीक है, लेकिन एक लड़की की कमी बहुत महसूस हो रही है यार। जुगाड़ तो किया था यार, लेकिन लास्ट मोमेंट पे धोखा हो गया। तो अब हम क्या करें? लड़की तो चाहिए यार। ऊपर वाले ने हमारी बात मान ली, स्वर्ग से अप्सरा को भेजा हमारे लिए। कमाल है यार, जबरदस्त है। नहीं, मैं पहले। हाँ, अरे जा, चलो चलो, अब मैं आता हूँ। स्वर्ग से क्या आप जरा भेजी ऊपर वाले ले, मजा आएगा। अपना चेहरा तो दिखा रहा नहीं। ये क्या? मुझे पहचाना नहीं तुमने? नहीं पहचाना क्या? बताती हूँ, अभी बताती हूँ मैं कौन हूँ। देखो, ध्यान से देखो। कमली, मुझे पिलाकर तुम लोगों ने
मेरी इज्जत लूट ली थी और बेरहमी से मेरी हत्या कर दी थी तुम तीनों ने मिलकर। मेरा प्यार अधूरा रह गया और मैं एक अतृप्त आत्मा बन के रह गई। अब तुम्हें भी मरना होगा, मरना होगा। नहीं, अब मेरे बारे, अब मैं जाऊंगा, तू बैठ, मैं जाऊंगा। चलो ना, मजा आएगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे। गुरुजी तो क्या, ऊपर वाला भी अब मुझे नहीं मार सकता। Mm-hmm.